हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आज मैं हिंदी में वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम से सोची है बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाई, तो आज बना देती हूँ वेरी क्विक वीडियो। तो आप में से कुछ लोग जो हैं माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, राइट, MSVU, सो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे रेजिडेंट सर्विसेज कैसी हैं, है ना। तो मैंने पूरी स्टडी कर ली है उसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहती, थोड़ा ओवरऑल ही दूंगी ताकि आप सब लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि क्या जो है आपका कॉस्ट होने वाला है, फीस एंड वगैरह, खाने का कितना है और रहने का कितना आएगा, ऐसा सब कुछ मैं थोड़ा क्विकली बता देती हूँ। सो मैंने पता किया, उसमें ना तीन तरह की अपार्टमेंट्स हैं, एक है असीसी, दूसरा है द बर्चस, तीसरा है वेस्टवुड, है ना। जो असीसी हॉल है वो चीपेस्ट है, उसके बाद द बर्चस एंड द वेस्टवुड, है ना। द बर्चस है जो वो मिडल है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो मीडियम कॉस्ट लगा लो, और जो है वेस्टवुड है उस थोड़ा वो एक्सपेंसिव है। सो स्टार्ट कर, जो हम मैं अभी बताने वाली हूँ रेंट है ना, जो रेंट है $5,000 से लेके $7,000 तक है, वन ईयर का, फुल टर्म मीन्स वन ईयर। आई विल ऑल्सो गिव अ लिंक बिलो, देन यू कैन क्लिक ऑन इट एंड सी व्हाट्स रिटन ऑन इट। मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और ऑब्वियसली आप लोग तो वहाँ पे फ़ोन नहीं कर पाओगे, तो मैंने उनको फ़ोन करके स्पेशली सारे सवाल पूछे जो मुझे उस चार्ट को देख के समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो मैंने डिटेल में उनसे बात की, यूनिवर्सिटी से जो भी रेजिडेंस के इंचार्ज हैं जो भी। सो जो है एज आई टोल्ड यू, असीसी हॉल है जो, उसके है 5,000, सो मैक्सिमम 7,000, है ना, वन ईयर का। आप वन ईयर भी रह सकते हो, आप 6 महीने भी रह सकते हो वहाँ पे। अगर 6 महीने रहोगे तो उसका हाफ कर लो, है ना। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, जो एग्जैक्ट नंबर है वो आपको वेबसाइट पे लिंक जो नीचे मिलेगा उस पे आप देख सकते हो। सो ये तो हो गया अपना रेजिडेंस का, है ना। और आप कहीं पे भी रह सकते हो, आप खाना भी कुक कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू हैव अ मैंडेटरी डाइनिंग प्लान। आपको मैंडेटरी डाइनिंग प्लान जो है परचेस करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रहने लग जाओ और खाना खुद बनाने लग जाओ, यू हैव टू बाय, आपको जो है मील प्लान है जो लेना ही पड़ेगा, डाइनिंग मील प्लान। उसमें क्या है, आप 5 दिन का खाना ले सकते हो और 7 दिन का खाना ले सकते हो, उसको बोलते हैं पॉड 5 और पॉड 7। पॉड 5 मीन्स यू विल गेट 5 डे फूड, एंड पॉड 7 मीन्स यू विल गेट 7 डे फूड। एंड ऑल्सो दे हैव मैंशनड फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स में एक लाइक एक्स्ट्रा आपका खर्चा है, उसमें से आपको वो काइंड ऑफ कार्ड होगा या कुछ भी होगा, उसमें से आपको यू कैन बाय फूड फॉर योर गेस्ट, है ना। आप खाना खरीद सकते हो अपने गेस्ट के लिए, पे कर सकते हो उसमें से, फ्लैक्स में से। एंड आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, कोई खाने के लिए, कुछ पीने के लिए ले सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, तो वो फ्लैक्स है। पर वो डाइनिंग जो मेन है, मील है जो, वो या तो 5 दिन का ले सकते हो या 7 दिन का ले सकते हो। जो उसका खर्चा है वो कम से कम $5,000 है पूरे साल का। अगर आप 6 मंथ रहना चाहते हो तो उसका हाफ कर लेना। सो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि मैक्सिमम जो है ना, वो मैक्सिमम 5,000 to 7,000 जो है रेजिडेंस का होगा, और 4,000 to 5,000 जो खाने का है। तो अगर आप मैक्सिमम 7,000 भी लगाएं रेजिडेंस का, एंड मैक्सिमम हम है ना खाने का भी लगाएं 5,000, सो 7 + 5 = 12,000। सो आप अपना खर्चा जो है $10,000 to $12,000 और या 9,000 to 12,000 के करीब बीच में सोच सकते हो, एक साल का रेजिडेंस का जो खाना वगैरह का खर्चा है माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी में, हैलिफैक्स में, नोवा स्कोशिया, कैनेडा। सो ये जो है उनका खर्चा है, और ये ऐसे करके वो करते हैं। और आपको जब शुरू में क्या है, आपको एप्लीकेशन भरनी होगी
अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए आपको $300 पे करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आपको वो ईमेल करेंगे कि ठीक है आपका जो रूम है बुक हो गया है, अभी आप $200 और पे कर दो, है ना। फिर आप $200 पे करोगे विद इन 14 डेज, आप 2 वीक के अंदर $200 पे करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको जो रूम है किसी और को दे देंगे, इवन दो यू पेड $300 अर्लियर। अगर इवन आपने $300 पहले दे दिए फिर भी ऐसा नहीं होने वाला। तो शुरू में आपको $500 पे करने हैं, बाद में अगर आपने रेजिडेंस में नहीं रहना है, है ना, आप मान लो आपने कैंसिल कर दिया, फिर वो जो है आपके $500 वो आपकी फ़ीस में चले जाएंगे। अगर आपने रहना भी है तो आपके जो खाने के फ़ीस में चले जाएंगे वो। ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन के लिए ले रहे हैं आपसे। मान लो आपने 5 to 7,000 के बीच में ईयरली जो रेजिडेंट सर्विसेज की फ़ीस है वो पे की, तो 500 जो आपने शुरू में दिया है वो आपका निकाल लेंगे उसमें से, एंड वो उसमें लग जाएगा। एंड यही था, तो आपको मेरे ख्याल से 9,000 to 12,000 के बीच में खर्चा आ सकता है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इफ दे एड लाइक टैक्सेस ऑन इट, विच आई एम नॉट रियली श्योर, यू नीड टू टॉक टू द डिपार्टमेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग। ऑब्वियसली दे गोना सेंड यू द लिस्ट that how much you need to pay. I believe it's the same amount which is written on the website. So मुझे लगता है कि जो भी लिखा हुआ है वही होगा based on कि आपको कौन सा apartment मिल रहा है। So अगर आपको कोई और question है please नीचे comment कर देना, I will definitely get back to you as soon as possible. And अगर आपको ये video अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि उसी से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बनाऊँ। और सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर कर देना अगर किसी को कुछ ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑलराइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।